संसार में दो तरह की ताकतें होती हैं, एक प्यार और एक नफरत। मगर प्यार की ताकत लोगों को आपस में जोड़कर रखती है। जो चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, या जो चीजें कभी मिल नहीं सकती, प्यार की ताकत उनको एक करने की ताकत रखती है। मोहब्बत किसी ऐसे शख्स की तलाश नहीं करती जिसके साथ रहा जाए, मोहब्बत तो ऐसे शख्स की तलाश करती है जिसके बगैर रहा ही ना जाए। शिकवे भी हजारों हैं, शिकायतें भी बहुत हैं इस दिल को, मगर उससे मोहब्बत भी बहुत है। और ऐसी ही मोहब्बत की कहानी अब नागपुर में काफी चर्चा में है, जहां इनकी सगाई अब सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर चुकी है। ये कहानी सुरभि और पारोमिता की है। डॉक्टर सुरभि मित्रा पेशे से डॉक्टर और मनोचिकित्सक हैं और नागपुर की ही रहने वाली है, जबकि पारोमिता मुखर्जी अकाउंट अधिकारी के तौर पर काम करती हैं और कोलकाता की रहने वाली हैं। जैसे आमतौर पर प्यार की शुरुआत होती है, ठीक इसी तरह इनके प्यार की शुरुआत भी ऐसी ही हुई और इन्होंने खुलकर प्यार का इजहार भी किया और घर वालों की रजामंदी से अपने इस रिश्ते को जिंदगी भर के लिए मजबूत करते हुए हाल ही में रिंग्स भी एक्सचेंज की और जल्द ही ये दोनों शादी भी करने वाली हैं। वैसे फैशन की दुनिया में समलैंगिक होना कभी असामान्य नहीं था, लेकिन अब भी एक तबका समाज का समलैंगिकता को अलग तरह से देखता है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में समलैंगिक जोड़ों के बीच रिश्तों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ से आए इस फैसले के लगभग दो साल बाद होमोसेक्सुअल्स के बीच शादी को कानूनी दर्जा दिए जाने की अपील दिल्ली हाई कोर्ट जा पहुंची। हो सकता है उम्मीद, बहादुरी और मोहब्बत की ये कहानी उन्हें कुछ कम गुमनाम और बहुत ज्यादा वैध बना दे, क्योंकि जैसा कि अदालत ने कहा, प्यार तो प्यार ही होता है। तो चलिए इस अनोखी प्यार भरी कहानी के बारे में जानते हैं सुरभि और पारोमिता से ही। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू वीकेबी स्पेशल। वेल, स्पेशल तो बहुत है आज का एपिसोड, बिकॉज आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम ना नागपुर में बहुत चर्चा में है। एंड एक्चुअली मैं ये ज़्यादा कहूँगी, एंड वी आर प्राउड टू से कि नागपुर ना इनके नाम से भी जाना जाने वाला है, बिकॉज हम हमेशा, मैं कहूँगी कि कुछ लाइंस, कुछ कोट्स के तौर पर हमेशा पढ़ते हैं कि लव जो है उसका कोई एज नहीं, कोई लव एक्चुअली नोज नो रिलीजन, नो जेंडर, नो बिलीव। वो एक ना यूनिवर्सल लैंग्वेज है, लेकिन क्या सच में इसे हम सच में अमल में लाते हैं ज़िंदगी में, ये सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं ये नाम मात्र हमारे लिए कुछ लाइंस और कोट्स रह जाती हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनको एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो है लव। बिकॉज इसे देखते हुए ही अपने प्यार को आगे एक कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म और एक बहुत आगे ले जाने के लिए दे हैव कमिटेड ईच अदर जिंदगी भर के लिए, एंड इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग एंड प्राउड मोमेंट फॉर नागपुर। वी हैव डॉक्टर सुरभि मित्रा एंड पारोमिता मुखर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। इन दोनों ने अपने प्यार को एक परिभाषा देने के लिए और एक जिंदगी भर का साथ निभाने के लिए दे हैव एक्सचेंज रिंग्स टुगेदर, एक सेरेमनी, एक प्राइवेट सेरेमनी के थ्रू। और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं अब हम आगे बढ़ चुके हैं, हम बहुत सी चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं, बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली देर इज़ अ सेक्शन ऑफ पीपल, कुछ लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इससे ज़्यादा मैं कहूँगी कि शायद एक्सेप्ट करने में उन्हें दिक्कतें होती हैं। सुरभि, आई विल स्टार्ट विद यू कि सबसे पहले तो कहानी की शुरुआत करेंगे, एक अनोखी कहानी, ये शुरुआत कहाँ से हुई? आई थिंक ये कहानी की शुरुआत इसने बताना ज़्यादा बेटर रहा। प्लीज़। बिल्कुल। तो कहानी शुरू हुई थी एक साल पहले, वो भी कोलकाता में ही। ओके। इन अ मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस। ओके। शी वाज़ द स्पीकर। ओके। वहाँ पे वो स्पीकर में थे और मैं ऑडियंस में थी। बहुत अच्छी स्पीच थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं फटाक से गई और उनको कॉन्ग्रेचुलेट की। एंड आई टोल्ड हर कि मुझे और भी बातें करनी है अबाउट द मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो उसने मुझे अपनी इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया, क्योंकि उन्हें तो नागपुर में आना था और मैं तो कोलकाता में रहूँगी। राइट। तो वहाँ से बातें स्टार्टेड।
आफ्टर अ वीक मुझे मैंने बोला, वो भी एक्सक्यूज तक, मैंने बोला कि मुझे इंस्टाग्राम उतना अच्छा नहीं लगता, मैं यूज भी नहीं करती हूँ, तो आप व्हाट्सएप नंबर दे, ये बात नंबर शेयर किया नंबर शेयर किया तो नंबर शेयर किया, फिर टेक्सटिंग, फिर कॉलिंग, फिर वीडियो कॉलिंग, ओके, वहां से स्टार्टेड, फिर एकदम से बात रोज रोज बात होती थी, और लाइक्स डिसलाइक्स वाइब्स मैच होने लगा, लाइकिंग जो था वो अचानक से धीरे धीरे करके लव होता गया. फिर एक बार क्या हो गया, 6-7 दिनों के लिए इनका फोन बंद हो चुकी थी. अच्छा, तो आई वाज सो कंसर्न्ड कि क्या हो गया अचानक से, कॉल भी नहीं लग रहा है, व्हाट्सएप की एसएमएस भी नहीं सेंड हो रही है. फिर 7 दिनों बाद इन्होंने मुझे रिप्लाई डाला कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया था एक फ्रेंड का, तो मेरा फोन भी खराब हो गया था. तो मैंने बोला कि आप जिंदा हो कि नहीं ये बता दो, दैट इज मोर कंसर्निंग. ओके, तो देन आई टोल्ड हर कि आई थिंक आई लाइक यू, मे बी मोर देन दैट. और फिर हम दोनों का एक बीच ट्रिप का प्लानिंग हुई थी, जहाँ पे उनके भी फ्रेंड्स जाएंगे और मेरे भी फ्रेंड्स जाएंगे वहाँ पे. मैंने उनको पूछा कि अगर मैं वहाँ पे जाके प्रपोज करूँ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो क्या आप रिजेक्ट कर दोगे? तो उन्होंने बोला क्यों, सो आई गॉट माई आंसर कि वो मुझे यस कह रही है. ओके, वही बीच ट्रिप प्लानिंग एक्चुअली ग्रेजुएटेड टू दिस सेरेमनी. ओके, बड़ा फिल्मी तरीके से जैसा होता है वैसे ही हुआ है. लोग ना बहुत अजीबोगरीब सवाल अपने दिमाग में ले बैठते हैं. मैं ऐसे कोई अजीबोगरीब गरीब सवाल ना बिल्कुल इनसे पूछने नहीं वाली. थैंक यू. लेकिन कमिंग टू यू सुरभि, कि ये डिसीजन अपने आप एक बहुत बड़ा डिसीजन, बिकॉज कई लोग आप मिलते भी होंगे, उन लोग करना चाहते हैं बट वो आगे करते नहीं हैं. आपको कब ऐसा लगा कि अब ये डिसीजन मुझे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए? यू मीन ये वाले रिलेशनशिप का डिसीजन? एग्जैक्टली, यस. हाँ, तो ऐसा हुआ कि व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द बीच ट्रिप एंड देन लेटर ऑन इसने ऑलमोस्ट टिकट्स बुक कर डाले थे. मतलब सो मच ऑफ एक्साइटेड. छुट्टियां भी ले चुकी थी मैं. हाँ, ठीक है, प्लानिंग हो चुकी थी. हाँ, फिर मैंने मतलब फिर क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ दैट शी स्टार्टेड टेलिंग हर फ्रेंड्स, आई स्टार्टेड टेलिंग माई फ्रेंड्स अबाउट द रिलेशनशिप, एंड देन आई डिसाइडेड कि मेरे पेरेंट्स को मेरे ओरिएंटेशन के बारे में वैसे भी बहुत सालों से पता है, एंड दे हैव नोन अबाउट ऑल ऑफ माय रिलेशनशिप्स एज वेल. ओके, तो आई डिसाइडेड कि आई हैव टू टेल अबाउट दिस, बिकॉज़ नाउ दैट इफ शी प्लान्स टू प्रपोज मी एंड इफ आई प्लान टू से यस एंड इफ आई प्लान टू बिकम कमिटेड, एंड माय कमिटमेंट इज नॉट लाइक कि 2 महीने का 2 साल का, इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट, एंड दे न्यू दैट आई वांटेड दिस. ओके, सो आई इन्फॉर्म्ड देम, दे वर लाइक अच्छा तो उसको मिलने बुला लो. हां, सो मैंने बोला कि ठीक है मैं उसको बुला लेती हूं. तो उसके वो वाले टिकट्स मैंने कैंसिल करवाए, नागपुर के टिकट्स, और मैंने बोला कि इधर आओ. ओके, पहले ये करो. ये जरूरी था, ट्रिप तो हो जाती बट ये वाला रिश्ता पक्का करना बहुत जरूरी थी. रिश्ता फैमिली से मिलवाना. फैमिली के साथ आई थी कि अकेली आई थी? अकेली आई थी. हिम्मत करके बिल्कुल कि हाँ पूरा. और घुसते ही सबसे पहले मेरी मॉम सामने ही बैठी थी. घुसते ही सबसे पहले इसने पैर पड़े. एकदम मैंने पूरी स्टडी करके आई थी बारे में था कि क्या करना है मुझे. अच्छा भाई, रीति रिवाज इज रीति रिवाज, जरूरी भी है. तो एक्चुअली आई वाज एट माय गाइड्स बर्थडे पार्टी. ओके, एंड बुक रिलीज. शी वाज सपोज्ड टू पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट. आई नहीं, आई हाय, मैंने बताया था कि मैं नहीं आऊंगी करके. तो बट मेरे फ्रेंड्स गए थे उसको पिकअप करने के लिए. शिद्दत से गए, उसको लेकर घर ले आए, इसके साथ बैठे घर पे. फिर मॉम जब बैठी तो आते ही एकदम प्रणाम वगैरह किया और मॉम की बाजू में जाके बैठ गए. मॉम वाज लाइक कितनी क्यूट है. मॉम विल बी लाइक यार ठीक है यार, प्रणाम नाम कर दिया, पैर वैर छू लिया, बिल्कुल मतलब और क्या, संस्कारी है ना. तो ऐसा हुआ था, एंड देन लाइक बोथ ऑफ माय पेरेंट्स गॉट टू नो हर वेरी वेल, और मेरे सारे फ्रेंड्स तो एयरपोर्ट से लेकर उसको जानते आए. फिर उसके बाद दिवाली के लिए वापस आई थी, तभी भी वापस से भी पार्टी टुगेदर ऑल ऑफ अस, लाइक माय फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड हर. ओके, देन शी अगेन एक बार और, मतलब ऐसे होता गया एंड मीटिंग्स बढ़ती गई. तो ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स आर लाइक मोर लाइक पारो 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 पारो, देयर कॉन्स्टेंटली कुछ भी हुआ तो पारो. चाहिए बन गई पारो. सबकी सबकी वो कहते हैं कि कोलकाता इज अ सिटी जहाँ की ना लोग बड़े प्यारे होते हैं, मुझे तो बड़े पसंद है. एंड कहीं ना कहीं सच में एक्चुअली उनकी बोली भाषा बहुत प्यारी होती है, दिल से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत साफ होते हैं. और यही जो दिल का साफ जो नेचर है ना, वो एक्चुअली सुरभि को पसंद आया ना. सुरभि और मेरे फैमिली को और दोस्तों को भी, मतलब शी सो इनोसेंट, जो दिमाग में है वो मुंह पे है टाइप का, यू नो, वो दिखता है एक्चुअली. हाँ, कहीं ना कहीं है ना, वो दिखता है, वो प्योरिटी दिखती है, वो सोल जो है प्योर सोल वो दिखता है. और वो जो
वो जो केयरिंग नेचर है ना, मतलब क्या हुआ था कि मैं हम लोग दिवाली में बहुत सारे फटाके फोड़ रहे थे मैं और मेरे फ्रेंड्स, तो मैंने ना ऐसी मस्ती मस्ती में वो चक्री ऐसे एकदम बहुत पास से मैचस्टिक से जला दी, मेरी उंगली जल गई. ठीक है, ये मतलब सबसे पहले भाग भाग की फार्मेसी गई. वहां से एकदम वो बर्न वाला जो ये रहता है ना ऑइंटमेंट बर्नऑल वाला, देन शी गॉट इट. फिर वो मतलब उसके पहले शी वेंट फ्रीजर में से फटाफट आइस वाइस निकाल के दबाते बैटरी है तैयारी. उसके बाद टूथपेस्ट लगाते ना, देन दैट एंड देन दैट बर्न ऑल. एंड एवरी डे, क्योंकि मैं इस बिकॉज दिस इज माय राइट हैंड, मैं काम ही नहीं कर पा रही थी इससे. एवरी डे शी वुड मेक श्योर वो बर्न ऑल लगा रही है या कर रही है, मतलब मुझे कुछ खुद ही बट दिस इज सो स्वीट यार. मतलब हम लोग कितने ज्यादा पैरामीटर्स बना लेते हैं, हम सारी चीजों को कितना सेग्रीगेट कर लेते हैं, ये क्यों ऐसा क्यों. मैं नहीं पूछना चाहती इनसे क्यों, मैं नहीं पूछना चाहती कैसे, क्योंकि यार ये सारी चीज़ें तो बहुत नॉर्मल होती हैं और अब हमें ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है. जब आप प्यार के बारे में बात करते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि प्यार क्यों, कैसे, किससे, क्या. अब हम चीज़ों से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं और मुझे लगता है हर किसी ने इन चीज़ों से आगे निकलना चाहिए और इनकी स्टोरी कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब नागपुर में बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी. बट कमिंग आपकी स्टोरी के अलावा, अगर हम लोग बात करें कि जब आपको ऐसा लगा कि आपको पेरेंट्स को बताना चाहिए कि सी मैं अब इस तरह से जीना चाहती हूँ, मैं इन चीज़ों में अपने आप को देखती हूँ, आपको अपने डिसीजन को लेकर होमोसेक्सुअलिटी को लेकर अपने पेरेंट्स से किस तरह से बात की. तो मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने बहुत पहले ही, आई थिंक एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, सबसे पहले तो मेरे फ्रेंड्स तो ऑलरेडी मतलब न्यू, ठीक है, एंड आई वाज वेरी ओपन विद देम एज वेल. और मेडिकल कॉलेज में कैसा है ना, एवरीथिंग इज ओपन. यस, तो भले ही वो बाहर के कॉलेजेस को पता नहीं चलता होगा, लेकिन हम आपस में बहुत ओपनली बात करते हैं. तो वैसे ही इट वॉज वेरी ईजी विथ माई फ्रेंड्स. बट देन सबसे पहले घर में पता नहीं हाउ माई नानी गेस्टेड फर्स्ट, जस्ट लाइक दैट. क्योंकि मेरी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी ना, सीरियस रिलेशनशिप मेरा जो फर्स्ट था, उसको मैं लेकर घर आती थी बहुत कॉमनली, एंड आई वुड से कि दैट शी इज माय बेस्ट फ्रेंड. उस टाइम पे 17-18 साल की उम्र में कौन बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है. वेरी ट्रू. बट नानी को लगा यार ये बाकी फ्रेंड से अलग है, ये तो नहीं, कुछ तो अलग है, ठीक है. एंड देन शी टॉक्स टू मेरी मौसी, मेरे मामा, शी टॉक टू माई मदर. माई मदर क्लियरली सेड कि जिस दिन वो खुद आकर बताएगी तब हम, तभी वी विल ब्रोच अपॉन दिस टॉपिक, अदरवाइज हम लोग इट्स बेटर दैट मतलब आए ये. तो हमारे घर पे भी रहती थी, सब होता था. तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक्चुअली दे काइंड ऑफ न्यू. ओके, आई जस्ट हैड टू टेल देम. राइट, तो दे वर वेटिंग फॉर मी. पेरेंट्स, उन्हें समझ में आता है. हाँ, तो बस वो रुके थे कि ये खुद से कब बताएगी. ओके, तो आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ दैट सीरियस रिलेशनशिप आई टोल्ड देम. ओके, कि ऐसा ऐसा था. एंड दे फर्स्ट थॉट की ठीक है कोई बात नहीं. नेवर गॉट एग्रेसिव बाय द वे, नेवर, नो एग्रेशन, नो हार्श वर्ड्स, दैट्स गुड. सिर्फ इतना बोला कि प्रोबेबली इट्स अ फेज. ओके, तो देखते हैं. बट ये मुझे बोला, लेकिन खुद का रिसर्च शुरू कर दिया. कि दे स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स, मेडिकली ओरिएंटेड ऑब्वियसली, इधर उधर के फालतू के वाले नहीं कि गूगल किया और पढ़ लिया. ठीक है, उसके बाद दे वेंट टू अ लॉट ऑफ साइकियाट्रिस्ट्स, उनसे बात की उन्होंने. फिर मतलब ये सब तो दे ऑलरेडी हैड द नॉलेज बिकॉज दे आर मेडिकोज, बट फिर उन्होंने और अच्छे से गेन किया कि अगर हमारी इकलौती बच्ची का ऐसा है तो हम इसे सपोर्ट कैसे करेंगे. क्योंकि अल्टीमेटली दे लव एंड केयर. अच्छा, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसको डिसओन कैसे करेंगे. वेरी ट्रू. इन्होंने ये सोचा कि इसे सपोर्ट आगे कैसे करेंगे और किस तरह ये जिंदगी कैसे बिताएगी. ये अकेली तो नहीं रह जाएगी अगर हम लोग नहीं रहे. तो उस सेविंग ग्रेस के लिए दे स्टार्टेड डूइंग ऑल ऑफ दिस. देन During that time, I was doing my own research. Okay. To get to know myself better and better and Very better. True. I started reading about Ellen DeGeneres and Portia and a lot of other couples, you know, Neil Patrick Harrison, David Burtka, और भी बहुत सारे लोग हैं. Right. और इंडिया में भी धीरे धीरे कुछ फेमस लोग बाहर आने लगे थे. Yes. There is Harish Iyer था, Umang Sheth था, now they are all of my really good friends. Rishi Sathwani is now settled in USA. Married to Vietnamese husband, जिसने यवतमाल में आकर openly शादी की. He is also one of my good friends. He actually attended our engagement virtually also. तो ये सब जब मैंने proper research किया तो I understood कि हाँ ये ऐसा ही है. तो मैंने फिर जाकर clearly बात की कि phase नहीं है, ये ऐसा है. उन्होंने मुझे बोला हमें पता था कि phase नहीं है, हम बस देख रहे थे कि तू कब बोलेगी. Okay. Then nothing. Then मैं खुद फिर मैंने जाके I opened up to my mentors in psychiatry.
फिर उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को और अच्छे से गाइड किया, एवरीथिंग वर्क्ड आउट रियली वेल. ओके, एंड हाउ अबाउट आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, मिस्टर मुखर्जी एंड मिसेस मुखर्जी? हाँ, तो मेरे बाबा और दीदी को बहुत पहले से पता था. Okay. मैंने जब इनिशियली बताई तो एज अदर इंडियन पेरेंट्स, उन्होंने मेरी बात बोला कि ये फेज है, टीनेज है, रहने दो, ठीक हो जाएगी तू. Okay. तो पढ़ाई कर, मेन मतलब ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ये तो सुनने में मिलेगा. तो बाद में मैंने बोल दिया एकदम से कि नहीं नहीं, ये फेज नहीं है, मैं मुझे सिर्फ लड़कियां ही पसंद है. तो उन्होंने बस ये बोला था, जो है सो है, तू खुश रहे, तू जिसके साथ रहेगा तू खुश रहेगा, वो हुई उनका बस इच्छा है. ओके ओके. तो बाद में मैंने माँ को भी बोला. हाँ. तो फिर ठीक है, अब अकेले रहना तो रह जाना, किसी पार्टनर को मिल जाए तो उसके साथ रह जाना. करेक्ट करेक्ट. ये सारी चीज़ें जब होती हैं, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी, कि सोसाइटी इज देयर टू पिन, टू आपको बोलने से लेकर आपको पिन पॉइंट करने से लेकर, एंड सबसे ज़्यादा तो हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं, इनका जो रोल होता है ना, ये बहुत भयानक वाला रोल होता है. मतलब मुझे लगता है कि आजकल जो बच्चे हैं वो रिलेटिव्स से क्यों डरते हैं. सॉरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ, ना खुद के रिलेटिव से ना आपके रिलेटिव से, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो बनते हैं. यस, बनते हैं, और इसीलिए बनते हैं क्योंकि वो हकीकत है. हकीकत पे ही मीम्स बनते हैं, और उसका उस तरीके से समझाने के लिए वो बनाए जाते हैं. बट मुझे ये लगता है कि आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से आपको समझा, आप दोनों के पेरेंट्स ने. तो आज अभी जनरेशन अगर इस तरह से, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे बहुत लोग हैं जो फोर्सफुली मैरिज कर लेते हैं अपने पेरेंट्स के बोलने पर. कर लेते हैं, एंड ये सारी चीज़ें उनके फ्यूचर के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी डिफ़िकल्टी वाली काम. इस पर आपका क्या टेक है? I have had so many patients, so many people being referred to me. Because as I said earlier, ki I have been working with trusts and NGOs, jo LGBTQIA ke liye hai, since more than 5 years now. And I tend to get referred all of their, jo bhi unke paas madad mangne aata hai, as a psychiatrist, they refer them to me. To jab मेरे सामने इतने डिसहार्टनिंग केसेस आ चुके हैं, यू नो, अ लॉट ऑफ देम आर ऑलरेडी मैरिड. ओके. एंड देन दे लाइक, तब हम में हिम्मत नहीं थी हमारे पेरेंट्स को बताने की, हमको सोसाइटल प्रेशर में और फैमिलियल प्रेशर में ये करना पड़ा. ओके. लेकिन नाउ आई कांट कीप माय वाइफ हैप्पी, और नाउ आई कांट कीप माय हस्बैंड हैप्पी. ओके. वह जो भी है. एंड देन इट्स लाइक, अब समटाइम्स इट सो हैपेंस कि उस वेडलॉक में से बच्चा भी हो जाता है कभी कभी फोर्सफुली, वेरी ट्रू, देन द चाइल्ड आल्सो सफर्स, वेरी ट्रू. एंड एट द सेम टाइम दीज पीपल आर हैविंग ड्यूअल रिलेशनशिप्स आउटसाइड ऑफ देयर मैरिज, बिकॉज समथिंग नीड्स टू कीप देम हैप्पी. अगर वो सेटिस्फाइड तो कंटेंट ही नहीं है अपने मैरिज से, तो वो कहीं, वो तो होने वाला है, राइट? तो इट्स लाइक दे हैव ड्यूअल रिलेशनशिप्स, और दोहरी जिंदगी जिसको हम कहते हैं, और वो उनकी रियल जिंदगी रहती है जो वो छुपा रहे हैं, और जो सोसाइटी के सामने दिखा रहे हैं वो उनकी नकली फेक लाइफ होती है. तो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग इन दिस वे. देन सम केसेस कम टू मी कि वी वेंट थ्रू कन्वर्जन थेरेपीज बिकॉज आवर पेरेंट्स फोर्स्ड अस टू, यू नो, कि तुम्हारा ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा. इनफैक्ट दे से कि हमारे पेरेंट्स इसको इलनेस बोलते हैं, दे से कि इट्स अ डिजीज, इट नीड्स अ क्योर. तो डिजीज एंड क्योर वाले जो शब्द है, ये एक्चुअली इसके साथ जुड़े नहीं जाने चाहिए, एब्सोल्युटली. बिकॉज साइकेट्री में हम कॉन्स्टेंटली कितने सालों से यही बोलते आ रहे हैं दैट इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ डिजीज, ठीक है. लेकिन आई थिंक पेरेंट्स ऑल्सो दे स्टिल लव देयर चिल्ड्रन, बट इन अ वे क्या होता है कि लगता है कि लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे की वजह से पूरा सत्यानाश हो चुका है. एंड देन अल्टीमेटली वो बच्चा सफर करता है. कन्वर्जन थेरेपीज में बहुत कुछ होता है. रियल डॉक्टर्स कन्वर्जन थेरेपीज नहीं देते, इट्स इलीगल, लेकिन उनको शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, उनके ऊपर गर्म पानी, ठंडा पानी डालते हैं, बांध के रखते हैं कितने कितने दिन, उनके जेनाइटल्स पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. ओके. सम ऑफ देम आर आल्सो रेप्ड इन अ वे टू, यू नो, ट्राई टू शो देम दैट दिस इज द रियल थिंग, दैट इज नॉट द रियल थिंग. एंड बोथ द जेंडर्स आर रेप्ड, मतलब उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली रेप्ड इन ऑल ऑफ दिस. तो जब ये सब होता है तो वो अल्टीमेटली कन्वर्जन थेरेपी से ये बोल के बाहर निकलता है कि हाँ मैं बदल गया हूँ, या हाँ मैं बदल गई हूँ. बाहर आते ही सुसाइड कर लेते हैं. गॉड, क्या करेंगे एक्चुअली. यस, द कन्वीनियंस मैरिज और कन्वीनियंस मैरिजेस, कि जैसे एक अभी अभी पहले बात की हमने कि होमोसेक्सुअल या हेटरोसेक्सुअल मैरिज की, एंड दोहरी जिंदगी जी रहे. राइट.
कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक लेस्बियन और एक गे जो फ्रेंड्स है अच्छे वो शादी कर लेते हैं. ओके ठीक है. ओके और मतलब सोसाइटी के सामने एज अ हेटरोसेक्सुअल कपल पोर्ट्रे करने के लिए. एंड फिर वो अपनी अपनी वो अपनी अपनी जिंदगी जीते अलग अलग फ्लोर्स पे जीते इनफैक्ट अपने अपने पार्टनर्स के साथ. ओके किसको क्या पता चल रहा है मेरी एक फीमेल फ्रेंड आ गई है मेरा हमने नाम के लिए कि हां वी आर मैरिड. ओके इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी. ओके हम इतने राइट्स की बात करते हैं हम राइट और उसके लिए आवाज भी उठाते हैं तो ये राइट क्यों नहीं. बिल्कुल अल्टीमेटली दीज आर ह्यूमन राइट्स. यस तो आप अगर राइट्स की बात करो तो देखिए जब हमको कोई सिस्टम एबॉलिश आपने पहले से नोटिस करता है होंगे हिस्टोरिकली कि कोई भी सिस्टम एबॉलिश करने के लिए इंडिया को हमेशा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अगेंस्ट इट्स ओन सोसाइटी. तो आप देखिए कुछ बुरी प्रथाएं भी थी जैसे सती प्रथा जो थी ठीक है उसको जबकि वो बुरी थी उसको भी एबॉलिश करने के लिए कितना अपोजिशन आया था. ठीक है. सिमिलरली वुमेन को पहले एजुकेशन अलाउड नहीं था वुमेन को बाहर निकलना अलाउड नहीं था वोटिंग अलाउड नहीं था पर्दे के पर्दा रख के ही बाहर निकल सकते या फिर नहीं निकल सकते हो सिर्फ बच्चों का ध्यान रखना है सिर्फ घर संभालना है और चूल्हे का काम करना है. ठीक है. तो अल्टीमेटली ये भी एबॉलिश करने के लिए कितने कितना अपोजिशन आया था. जब पेट्रियार्कल सोसाइटी की हम बात करते हैं तो यही होता है. तो फिर फाइनली वुमेन्स राइट्स आए अनटचेबिलिटी हटाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा फिर उनके राइट्स आए. ठीक है. अल्टीमेटली एनी पार्ट ऑफ सोसाइटी यू कीप ऑन ऑप्रेसिंग फिर एक रेवोल्यूशन होता है. हमने क्यों मुगलों के अगेंस्ट रेवोल्यूशन किया हमने क्यों ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रेवोल्यूशन किया बिकॉज अल्टीमेटली इफ समबडी इज ऑप्रेस्ड एनी पार्ट ऑफ द सोसाइटी एक रेवोल्यूशन कभी ना कभी होने वाला है. एंड फिर लॉज चेंज करने से क्या फायदा आप अपने ही लोगों को अगर पहले से एक्सेप्ट करो तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना. वेरी ट्रू इतने राइट्स के बाद कहीं ना कहीं सरकार ने अब एक हामी दी है कहीं ना कहीं उस पर एक प्योर सिग्नल. हाँ राज्य सरकार कहें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें कहीं ना कहीं हम सरकार ने भी एक हामी दी है कि हाँ अब साथ रह सकते हैं. लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होती ना कहानी तो कहीं ना कहीं अब आगे ले जाने की है और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से आपने कदम उठाया और अब आप लाइफ लॉन्ग इसे आगे रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं. यू वॉन्ट टू गेट मैरिड ठीक है यू वॉन्ट टू स्टे टुगेदर. लिव इन रिलेशनशिप में तो बहुत लोग रहते हैं लेकिन एक रिश्ते को नाम देना इज मोर देन इम्पॉर्टेंट राइट. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारा इंडिया और क्या अब हमारी सरकार इस चीज़ को सच में उतना आगे ले जा पाएगी क्या हमें उतने राइट्स मिल पाएंगे उस चीज़ के लिए. मुझे तो होप है ऑनेस्टली क्योंकि द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर इन सपोर्ट द लॉयर्स द जजेस आर इन सपोर्ट द ओनली थिंग इज दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू गिव एन यस. यस तो उनका अगर यस आ जाए तो डेफिनेटली हो जाएगा. तो ऑलरेडी काफी पेटिशन्स डल चुके हैं कोर्ट में हम लोग भी एक्चुअली वी आर फाइलिंग अ पेटिशन. तो ये सब जब हो रहा है इतना सब कुछ हो रहा है नाउ अभी इतने में जो न्यूज आई है इतने में काफी कपल्स हैव गॉटन मैरिड व्हिच दे कांट कॉल अ मैरिज अनफॉर्चुनेटली. तो बट स्टिल इट्स अ मैरिज फॉर देम इट्स अ मैरिज फॉर देयर ओन सोसाइटी तो इट्स अ मैरिज बेसिकली बट लीगली उसको मैरिज नहीं कह सकते. तो अगर वो प्रॉब्लम है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जल्दी बदलेगी क्योंकि नहीं तो इतने लोग सामने आए नहीं होते खुल के. तो एक्सपेक्टेशन होप तो रखनी चाहिए और वो है. और जैसे मैं पहले बात कर रही थी बुरी चीज़ों को एबॉलिश करने के लिए भी इतना पोजिशन आया ये तो अच्छी चीज़ एस्टैब्लिश करने के लिए है तो इसमें तो जल्दी होना चाहिए बट वक्त अनफॉर्चुनेटली लग रहा लग है जाता है और लगता है ऐसी चीज़ों पे कहीं ना कहीं चीज़ें ना ज़्यादा जल्दी से वर्क नहीं हो पाती और उन चीज़ों को हमारे देश में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. सॉरी टू से बट इन चीज़ों पे अगर फोकस किया जाए तो ये चीज़ों पे बहुत जल्दी काम करने की ज़रूरत है. ऐसी जैसे आपने कहा कि मैरिज तो हम कर लें लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इलीगल वाला जो ये ठप्पा है ना इसकी वजह से बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं. ऐसी कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो इस पर्टिकुलर वर्ड की वजह से इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से झेलने पड़ सकते हैं आगे क्योंकि आप साथ तो रह रहे हैं आप लेकिन साथ रहने को कोई मतलब लीगल इशू नहीं है बट आप मैरिज के बाद ऐसी कई चीजें यू कांट हैव अ जॉइंट अकाउंट यू कांट ये इतनी सारी चीजें वी कांट होल्ड अ प्रॉपर्टी टुगेदर या मेन मतलब वी कांट मेक ईच अदर्स हेल्थ डिसीजंस. एग्जैक्टली वेरी ट्रू वो बहुत बड़ी चीज है लाइक वेरी ट्रू एंड वो तो होना ही चाहिए. मतलब हमारे पेरेंट्स के बाद हमारे हेल्थ डिसीजंस एक स्पाउस ही लेगा ना. राइट तो दैट इज आल्सो नॉट देयर. राइट तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स के वजह से ही तो हमने ये कोशिश की कि हम लोग
पब्लिकली कुछ अवेयरनेस फैला सकते हैं अगर हमारी तरफ से और ये अगर ये लॉज आ सकते हैं तो अच्छी बात है. बिकॉज गवर्नमेंट पेटिशन में ये लिखा है दैट एक मैरिज में एक बायोलॉजिकल मेल और एक बायोलॉजिकल फीमेल ही रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं. ठीक है. वेयर एज क्लियरली इन अ लॉट ऑफ अदर ये जो पेटिशन हम लोग बाकी लोग जो फाइल कर रहे हैं उसमें क्लियरली ये है कि सब तरफ स्पाउस लिखा है, जेंडर रोल कहीं पे भी लिखा नहीं है. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग स्पाउस कैन बी एनीवन. वेरी ट्रू. इवन अ ट्रांसजेंडर कैन बी योर स्पाउस. वेरी ट्रू. इवन एन इंटरसेक्स पर्सन कैन बी योर स्पाउस. तो अ ह्यूमन बीइंग इज सपोज टू बी योर स्पाउस, अ लाइफ टाइम पार्टनर. बात सीधी है, बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए. एक्चुअली हो जानी चाहिए. और बचपन से हम जब बच्चे होते हैं तो हमें हमेशा कहा जाता है तुम ऐसा पढ़ो, तुम अच्छा कर लो, और उसके बाद बात आके खत्म होती है शादी पे. तुम ऐसा अच्छा नहीं करोगे तो तुम्हारी शादी अच्छे से लड़के से नहीं होगी, लड़की से नहीं होगी, ये नहीं होगी, फलाना ढंग का, बहुत सारे अदरक लहसुन, सॉरी अदरक लहसुन. अल्टीमेट एम जैसे कि शादी है. तो हम इतना अच्छा पढ़ के अगर शादी के लिए हम पढ़ रहे हैं तो फिर हम पढ़ के करने क्या वाले हैं. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? वही चीज, जब एक बच्चा होता है तो पेरेंट्स की वही कहना है कि तू अच्छे से पढ़ाई कर. तू अच्छा पढ़ाई नहीं करेगी तो तुझे नौकरी नहीं मिलेगी. तू नौकरी नहीं करेगी तो तुझे कोई शादी नहीं करेगी. मतलब अल्टीमेटली एक बच्चा हो जाए उसके बाद शादी ही मेन टारगेट है, शादी के लिए सब कुछ. और उसके बाद बच्चे करना इज द मेन टारगेट, सेकंड फॉर जनरेशन एक्चुअली. और वो भी अपना ही खून होना चाहिए तभी नाम आगे बढ़ेगा घर का. एडॉप्ट मत करो, कुछ भी हो जाए. मतलब से फॉर एग्जांपल अगर दोनों भी पेरेंट्स इनफर्टाइल है, दे आर नॉट एबल टू गिव बर्थ, तो आइडियली इतने बेसहारा बच्चे हैं दुनिया में कि यू कैन एडॉप्ट और उसको पाल के भी तुम. अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द बॉन्ड. वेरी ट्रू. नहीं, लेकिन अपना ही खून चाहिए, अपना ही डीएनए चाहिए, अपनी ही जेनेटिक्स चाहिए. अदरवाइज वो बच्चा तुम्हारे फैमिली नाम को आगे नहीं बढ़ा सकता. क्यों नहीं बढ़ा सकता? एंड एक्चुअली जब कोई बच्चा जब पैदा हुए तो तभी तो मतलब पता नहीं चलेगा ना कि ये अच्छा ये होमोसेक्सुअल है, तो इसको नहीं बोलेंगे हम शादी करने को. सोचने वाली सच में बात है. अब से हम अपने बच्चों को ऐसा नहीं कहेंगे. मैं बिल्कुल कहूंगी कि ऐसे आज के बाद हम नहीं कहेंगे. अब एक बहुत ही फन बात, जब शादी की बात होती है तो सबसे बड़ा जो दुविधा होती है वो है रिलीजन. कौन से रिलीजन का है? मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही ये है. तो इसमें मैं आपको कहूंगी, जब आपने घर पे बताया तो क्या पूछा गया कि सच में भारत में कौन से सामने वाला जो है वो कौन से कास्ट? किसी से मिलवाना है and I'm planning ऐसे ऐसे करके. तो कहते हैं अच्छा क्या नाम है? तो मैंने कहा पारोमिता. ठीक है. तो कहते हैं पारोमिता मतलब बंगाली नेम है. अच्छा ठीक है. तो सरनेम क्या है? तो मैंने कहा मुखर्जी. अच्छा ब्राह्मण है फिर? ठीक ओके. मतलब पहले तो बंगाली है, अच्छा ब्राह्मण है. ओके ठीक है. Okay. And same like earlier I used to have a Muslim girlfriend. Okay. तो अरे बाप रे. मतलब हाँ, which personally I hated. ऐसे किसी ने नहीं बोलना चाहिए. नहीं बोलना चाहिए. But मेरे उसके भी पहले के ex ने ऐसे ही मुझे randomly call किया. Very true. गुस्से में. And she is like a proper Pandit Brahmin. Okay. ठीक है. I'm not taking any names, so don't worry. So she called me and then she's like, अच्छा क्यों अभी love jihad करने चले हो क्या? I'm like, what are you talking about? This is so sad. Actually. मतलब तुम castes तो पहले थे ही, अब तुम inter-religion में भी तुमको problem हो रही है. मैं सिर्फ इंसान को देखती हूँ. Very true. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा रिलीजन का है. अब जेंडर से मेरे को एक बात बताइए. ठीक है. इट इज सो फनी व्हेन आई टॉक टू माय सीनियर हु इज अ वेल नोन साइकियाट्रिस्ट. व्हेन आई टोल्ड हिम अबाउट द स्टोरी वी हैड अ गुड लाफ. ही वाज लाइक कि मतलब एवरीबॉडी इज रेडी टू एक्सेप्ट योर ओरिएंटेशन, लेकिन भाई इंटर रिलीजियस नहीं चल रहा है, ये क्या है? मैं भी इतने हंसे हम लोग उस पे. कुछ भी बोलते हैं लोग सीरियसली. इसका जवाब होगा तो जरूर बताइएगा, है ना? हमें जानना है कि ये क्यों ये क्यों एक्चुअली. मतलब हर चीज में, हर सोसाइटी में एक्सेप्टेंस अभी नहीं है. देयर इज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जहां से एक्सेप्टेंस नहीं है. और द सैड पार्ट अबाउट दिस, सैड पार्ट अबाउट दिस इज दैट आई फील दैट अल्टीमेटली द एंटायर सोसाइटी गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, नॉट ओनली the so-called community. Number one, I don't like calling LGBTQIA a community. Actually. Because it's a society. Yes. Still, अभी के लिए मैं use कर रही हूँ समझने के लिए. Very true. ठीक है. तो when it comes to this, तो they say कि ये minority है, ये marginalized community है,
ठीक है, तो इनके राइट्स को तो बाद में देखा जाएगा, तो आराम से देखेंगे, ठीक है. अब इससे आप ये सोचो कि ये जो अभी पहले की बात हुई कन्वीनियंस मैरिजेस की, उसके बाद ये मैरिजेस की जो फोर्सफुल मैरिजेस हो गई, ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन थेरेपी से होने वाले मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड सुसाइड्स, उसके वजह से अफेक्टेड उनके जो पेरेंट्स रिलेटिव्स एंड बच्चे एंड सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स जो भी है, अल्टीमेटली आप सोचो ना कितने लार्ज नंबर पे लोग अफेक्ट हो रहे हैं. इट्स नॉट ओनली दैट वन पर्सन हु इज अफेक्टेड. तो अल्टीमेटली आई थिंक इट्स अ सोसाइटल प्रॉब्लम, इट्स सबकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है इसमें. और मैं तो चलो मेंटल हेल्थ की बात करती हूँ ज्यादा, लेकिन आई थिंक हर टाइप की हेल्थ खराब होती है इससे. एक्चुअली अब ना मुझे लगता है कि दर्शक कह रहे होंगे कि सारे सवाल तो मीनाक्षी ने अपने तरीके के पूछ लिए, अपने हिसाब से पूछ लिए. एक सवाल जो लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं उनका कॉमन सवाल पूछ लूँ, फ्यूचर प्लानिंग है किड्स अडॉप्ट करने की, खुश हो गए ना? हाँ, अब बता दो. नहीं नो, ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में भी हम लोगों ने काफी बार देखा कि वो सब तो ठीक है, बच्चे कैसे होने वाले हैं, ठीक है, होने कैसे वाले वो नहीं पूछना, बट क्या प्लान्स हैं आपके अडॉप्ट करने के? हमारे तो डेफिनेटली है. आपको पसंद है कि आपको ज्यादा पसंद है? दोनों को पसंद है. दोनों को पसंद है. सो वही कह रही हूँ कि किड्स, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक दिक्कत और आ जाती है कि हेटरोसेक्सुअल्स भी अगर कोई अडॉप्शन की जब तैयारी होती है तो बहुत दिक्कतें हैं. तो आप लोग किस तरह से फिर मैनेज करेंगे, आपको क्या लगता है कि आप इस पे किस तरह से काम करेंगे? अभी देखिए, जैसे से फॉर एग्जांपल करण जौहर, ही डिड सरोगेसी एंड वेरी ट्रू. सो सरोगेसी इज डेफिनेटली एन ऑप्शन, वेरी ट्रू, ठीक है. बट दिक्कतें आई होंगी आई एम श्योर, एंड ही इवन टॉक्ड ओपनली अबाउट ऑल ऑफ दोस इश्यूज, कि हाउ पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट हाउ कैन अ सिंगल मैन plus from the community handle all of this. Sure. ठीक है. Similarly, other celebrities who have also come out, they have also gone for surrogacy. Very true. उनके ऊपर भी काफी opposition आया, लेकिन opposition तो चलो हर अच्छी बुरी चीज के लिए आते ही रहता है. वो तो है. तो हाँ, legal issues या फिर थोड़े से societal issues तो हमें भी आएंगे कि how are you going to do a surrogacy, how are you going to adopt. तो झेल लेंगे अब, मतलब सब अगर कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे. अगर इंडिया को बदलना है, अगर एक्चुअली इसकी मुहिम डालनी है, तो फिर वी हैव टू पार्टिसिपेट इन इट. हम अगर ग्राउंड वो ग्रास रूट लेवल पे जाके नहीं देखेंगे कि दिक्कतें क्या आ रही है जी. तो हम दूसरों को कैसे हेल्प करेंगे? एक्चुअली सो वी आर रेडी टू गो फॉर इट. एंड फोर्थली आई वुड से कि इवन अगेन नॉट टेकिंग एनी नेम्स, बट अ वेरी वेल रिनाउंड फैमिली से आने वाला, देयर इज अ गे कपल इन नागपुर ऑल्सो हु आर नॉट आउट. Okay. But we know them. Okay. They have already done surrogacy. Okay. So they have succeeded in it. Nice. Getting it done. Okay. So why not us? We Very can go true. Ahead with it as Very it true. Is. So and another thing, we being females can also go for artificial Very insemination, yes, in yes. vitro fertilization. So right. बहुत सी चीज़ें हैं. तो I hope आप सबको उसका आंसर मिल गया, क्योंकि बहुत बार ये कमेंट सेक्शन में देखा है कि इस चीज़ का आंसर दीजिए हमें. पारम्परिक फेवरेट कलर. Blood red and black. Favorite food? Is actually fish. No. Okay. Do I get another guess? But no, please. Oh. Veg wala to bata do. Veg wala bata do. I don't. Khilaya nahi khana abhi tak. Khilaya hai. बहुत बार मेरे लिए मंगवाया भी है. हाँ, तो फिर मुझे I think थोड़ा सा ओके कोई नहीं. हाँ, अब यार इतना ओ सो जो व्हाइट सॉस पास्ता, सॉरी. ओके, द थर्ड थिंग, सिग्नेचर वर्ड जो बहुत ज्यादा वो यूज करते हैं. बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड हम. ओके, फोर्थ, अगर आगे कोई एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ एक हॉलीडे स्पेंड करना चाहेंगे टुगेदर, तो विच विल बी द दैट फर्स्ट डेस्टिनेशन? गोवा. ओहो, वहाँ तो शादी होने वाली है. कहीं मैंने डिस्क्लोज नहीं कर दिया? पता है सबको. नहीं, एक दो लोगों ने छाप दिया है वो, एक्चुअली एक दो न्यूज़पेपर्स ने छाप दिया. अब डेस्टिनेशन चेंज कर दो, अब हम नहीं बताएंगे. सेम क्वेश्चंस फॉर हर. फेवरेट कलर? Okay, favorite color purple or combination red and black. Okay, favorite food? Begun bhaja or prawns. Hain? Nahin. Seafood basically. Seafood. Okay, and destination for holiday? Goa. Go.
वही जाना है। हाँ मतलब वो एक कॉमन, आपने कॉमन पूछा था ना, मैं पीछे जा रही हूँ गोवा, प्लीज। नहीं बुला रहे, फिर भी जा रही हूँ। बुला रहे, बिल्कुल बुला रहे। मैं जा रही हूँ। ओके, सो ऑन अ ब्यूटीफुल नोट, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस, एंड आई होप कि आप दोनों की ये जर्नी, वो आशीर्वाद दे रही हूँ ना कि मेरा आशीर्वाद आप दोनों के साथ है, आपकी ये जर्नी यूं ही प्यार भरी और यूं ही साथ भरी रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो जैसे कि कहते हैं और जैसे कि सुरभि ने भी कहा कि लोग बहुत कुछ कहते हैं, तो मैं, मेरी फेवरेट लाइन है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये तो सिलसिला चलता रहेगा, सो ब्रेकिंग ऑल द सीलिंग्स, ब्रेकिंग ऑल द शैकल्स, दे हैव कम अप विद अ डिसीजन दैट दे विल बी स्पेंडिंग लाइफ टुगेदर। तो मैं कहूँगी कि जैसा है रहने दीजिए यार, आशीर्वाद दीजिए और बिंदास आगे बढ़िए। अगर आप में से भी कोई ऐसा कुछ करना चाहता है, अगर इन्हें अप्रोच करना चाहता है, तो डू, दे आर वेलकमिंग यू। अगर आपको कोई आपसे कोई सवाल है, वन इंपॉर्टेंट वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी वांटेड टू यूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर अस, that I am already working with the community since a lot of years. Okay. And as a proper psychiatrist and a mental health expert also, but because of this thing, in the, like, together we are opening up a fundraising page for people of the community who are not that well educated, and who have been outcasted from their families, ousted actually, and ya fir wo society mein apne outcast ho chuke hain, uske wajah se wo padhai nahi kar paaye, career nahi bana paaye, aur that is the reason wo majboori mein akeli zindagiyan jee rahe hain ya apne partner ke sath kahin to chupe chupaye jee rahe hain, unke education ke liye aur unke settling down ke liye we are raising funds. Okay, so please contact us for that, and if you really want to help them, and then we would be using that money to educate them and help them in their lives. Okay, so please do reach them out. Agar koi bhi aapko is tarah ka support chahiye, to please wo hamesha taiyar hain cheezon ko support karne ke liye. And aaj bas itna hi, special episode mein fir milenge kisi aur special shaksiyat ke sath. Tab tak le dijiyega ijazat, namaskar.